इसराइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर से हुई थी, जिसके बाद से करीब 9 महीने से ये जंग अब भी जारी है। इसराइल ने इस जंग को अब और भयंकर बना दिया है। इजरायली बलों ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया। इस्माइल हानिया की मौत से मिडिल ईस्ट की जंग अब और भड़क सकती है। मिडिल ईस्ट में जंग कभी भी भड़क सकती है, इस बात का दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने जंग का ऐलान कर दिया है। आयतुल्ला खामेनेई ने इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए ईरान को इसराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दिया है। खामेनेई ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक में हमले का आदेश दिया। खामेनेई ने सैन्य कमांडरों को खुद की योजना बनाने का भी आदेश दिया है। ईरान ने हानिया की हत्या का आरोप इसराइल पर लगाया है। इसराइल ने इस्माइल हानिया की हत्या पर अब तक कुछ भी नहीं कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद और सीआईए ने हानिया की लोकेशन दी। सही लोकेशन मिलने के बाद मिसाइल से हमला किया गया। इस्माइल हानिया की हत्या एक महफूज इलाके में हुई है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुश्मन देशों को पहले ही वार्निंग दे दी है। नेतन्याहू ने कहा कि उनके देश पर किसी भी मोर्चे पर कोई भी हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने हानिया की हत्या के बाद ये पहला बयान जारी किया है।